Good evening, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 9, part 2. आज हम लोग जो है वाइल्ड लाइफ का जो है चैप्टर 9 के पार्ट 2 जो है उसके बारे में आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे. इसके पहले जो लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, हम सब इसके बारे में जाने थे कि कैसे हमको इसको सुरक्षा संरक्षण करना है और जो जो चीज़ हमारे यहाँ से लुप्त हो गए हैं, मतलब खो गए हैं, वो सब चीज़ को कैसे हमारे देश में और संभाल के रखना चाहिए उसके बारे में, बर्ड्स, स्पाइस, स्पीशीज, सब के बारे में हम लोग जाने थे. तो आज जो हम लोगों ने थिंग्स टू नो, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रेड पांडा. रेड पांडा हम लोगों ने इसके पहले जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, हिमालय में पाए जाते. तो रेड पांडा इज फाउंड द कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस. मैंने अभी कहा जो रेड पांडा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका खोज मिलते हैं कोल्ड फॉरेस्ट ईस्टर्न हिमालय में, मतलब हिमालय के जो पूर्व की तरफ है वहाँ. हिज फूड इज बैम्बू स्प्राउट्स, एग, स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा. वो क्या खाते हैं, जो बम्बूज होते हैं और बम्बूज के अंदर जो सफ़ेद कलर्स के स्पाउट्स होते हैं वो खाते हैं, और उसके साथ क्या खाते हैं, एग्स खाते हैं, अंडे खाते हैं, स्मॉल बर्ड्स खाते हैं और इंसेक्ट्स खाते हैं. इट इज़ लेस एक्टिव ड्यूरिंग द डे, और ये जो है पूरे दिन में उनके खुराक है. बिसाइड इंडिया इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन चाइना. इंडिया के साथ साथ चाइना में भी ये पाए जाते हैं, नेपाल, भूटान और म्यांमार में भी ये देखे जाते हैं. अब जो है मेजर से सब प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या मेजोरिटी जरूरत है हमारे जो जंगल की जिंदगी है उसको सुरक्षा करने के लिए. इट इज़ नेसेसरी टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड प्रिस्क्रिप्शंस टूवर्ड्स द फॉरेस्ट. हमारे जो एटीट्यूड्स है उसको बदलना है और जो जंगल की तरफ हमको जो है प्रिस्क्रिप्शन देना है, देखना है अच्छे से. वी कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम. हम लोगों को जो है अनलिमिटेड इनकम के सोर्स मिले, विच इज अ मिस्टेक, लेकिन एक ही गलती है, इट मस्ट बी प्रिजर्व, उसको हमको सुधारना है. ओनली देन द नेचुरल हैबिटेंट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. हम लोगों को सब कुछ करना है लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले ये करना है जो प्रकृति की जो जिंदगी है, जो जंगल की लाइफ है, उसको जो है हमको सेबनने प्राणी जिसको कहते हैं उसको हमको बचाना है या सेव करना है. मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हर्बीवोरस एंड कैर्बीवोरस फॉरेस्ट. जो हर्बीवोरस होते हैं मतलब जो सर्वभूख प्राणी कहते हैं, मतलब जो मांस और वो सब कुछ खाते हैं, और कैर्बीवोरस मतलब जो घास वगैरह खाते हैं, वो ये दोनों के अंदर जो है तफावत हमको पहले देखना है जंगल में. फॉर दिस पेट्स लाइक मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शन, ग्रेजिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी टेकन. और साथ साथ ऐसा उन लोगों में दूरी रखनी चाहिए ताकि एक दूसरे को खाना जाए, मतलब जो हर्बीवोरस है कैर्बीवोरस को खाना जाए. इसलिए पहले तो हमको ये दोनों के बीच में दूरियाँ बना रखनी है. दूसरा जो है पानी का इंतजाम हर जगह से और फुलफिल होना चाहिए. तीसरा जो है बहुत ही रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए जंगल में, नियम मानना चाहिए. और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उन लोगों को खाने के लिए ग्रास अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो वहाँ से वो ग्रास घास ले सके. अब जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे टाइगर्स जो है उसके बारे में. देयर शुड बी डिस्ट्रिक्ट लॉस ऑफ हंटिंग, मतलब कुछ ऐसे लॉस है जो हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्डली, इसको मना के इट बीज पनिशमेंट शुड बी इन्फ्लिक्टेड इन नेचर. अगर हम लोग ने कोई भी इलीगल काम करें, मतलब कोई भी अगर हम जानवर को मारते हैं तो इलीगल होता है, उसके लिए हमको सजा भी होगी. ऐसा ही नियम सरकार ने बनाया है, इसकी शास्ति जो है पनिशमेंट जो है हमको मिलेगी. इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स व्हिच विड नॉट डिस्टर्ब एन एनिमल्स ड्यूरिंग द प्रोटेक्टिव पीरियड. ये एक ऐसा समय है जो हमको कुछ सब कुछ सिखाते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि जो है हम डिस्टर्ब ना करें कोई भी एनिमल्स को. उन लोगों की जो है समय है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहे.
जो गंगा रिवर डॉल्फिन हम जानते हैं कि प्लैटनिस्टा एंड गंगेटिका जिसको कहते हैं, गंगा रिवर में डॉल्फिन देखेंगे। देखो डॉल्फिन का एक फोटो लेफ्ट में दिया गया है। द गंगा रिवर डॉल्फिन फाउंड इन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा इज अ फ्रेश वाटर स्पीशीज। गंगा का जो पानी है बहुत ही स्पाइसेस क्रीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका पानी बहुत ही साफ सुथरा है। और ये जो डॉल्फिन है ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलते हैं। जनरली इट लिव्स इन द रिवर हैविंग डीप एंड क्लैम वाटर फ्लो। वो जो है एकदम नीचे डीप में रहते हैं, लेकिन जब वाटर फ्लो होता है तो उसमें वो बहते हैं। इट इज़ फाउंड इन द गंगा रिवर एंड फॉलोज थ्रू वन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है गंगा रिवर गंगा नदी में भी देखे जाते हैं और पूरे विश्व में जो है इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। ड्यू टू द रिलीज ऑफ डर्टी वाटर इन द रिवर, इन लोग अच्छे पानी में जो है नहीं रह सकते, डर्टी रिवर में रहते हैं। प्रेडिशंस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, हमारे जो फॉरेस्ट है उसको नए तरीके से इसको बनाना है। फिशरीज नेविगेशंस द रिवर इंडस्ट्रियल वर्स्ट एट्सेट्रा, जो फिशरीज होते हैं जो रिवर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल वर्स्ट होते हैं वो सब जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट एट्सेट्रा डेंजर हैज बीन क्रिएटेड अगेंस्ट इट्स एक्सिस्टेंस। ये जो है बहुत ही भयानक हो जाता है अगर ये बाहर निकले तो। अपार्ट फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में देखे जाते हैं, देयर वॉज अ फ्यू सच ऑफ डॉल्फिन लेफ्ट इन चंबल रिवर। ऐसे बहुत सारे कुछ जो है डॉल्फिन हमको चंबल नदी में भी दिखने को मिलेगा। इट कम्स टू द सरफेस वेरी ऑफन टू ब्रेथ मेकिंग शाउ शाउ लाइक साउंड, जो बहुत पहले की बहुत प्राचीन है, उसको अब सांस लेते हैं तो साव साव आवाज आते हैं। सो इट इज ऑल्सो बाई अदर नेम्स लाइक अ ससुंस, इसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं सुसुक या ससुंस करके। ससु ऑफ स्विस इट ऑल्सो फाउंड द रिवर ऑफ आवर नेबर्स। ये नदी ये जो है कहाँ पे मिलते हैं ना, नेपाल में, जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पे नदी में, नेपाल एंड बांग्लादेश ये दोनों जगह जो हमारे पड़ोसी देश है। एट प्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन इज अ डेंजर, गंगा रिवर के जो डॉल्फिन्स होते हैं वो बहुत ही डेंजर होते हैं। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम, सम अटेम्प्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडिया प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इंडिया स्कीम्स, सम प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड फॉर द एनिमल एस्पेक्ट्स व्हिच इज द डेंजर ऑफ व्हिच इज लाइक्ड बाय टू बी एग्जिबिशंस एंड नियर फ्यूचर। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट, इसीलिए ये सब चीज़ को बचाने के लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट का मतलब वर्णन यहाँ पे किया गया और प्रोजेक्ट का इस्तेमाल और प्रोजेक्ट का थापड़ा भी किया, ताकि सबके घर में कोई कोई प्रॉब्लम अगर हो तो सब जाके यहाँ पे जो है अपने बता सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में इन लोग शामिल हो सकते हैं। देखो टाइगर प्रोजेक्ट, अपार्ट कैस्ट टाइम देयर वॉज अ मोर 40,000 टाइगर्स इन इंडिया द बिगिनिंग ऑफ 2000 सेंचुरी, जो 2000 सेंचुरी के शुरुआत में जो है यहाँ पे उन लोगों को एक सुराग मिला था। ड्यू टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंट हंटिंग द डिफॉरेस्टेशन वॉज बिगर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर्स, बीस सेंचुरी में जो है उन लोगों को पता चला गया था और उन्होंने ये समझा था ताकि कोई ये जो है ये किताब ले सके।
और क्लाइमेट्स के ऊपर ये पूरा पूरी डिपेंडेबल होता था। और इसमें जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1971 में। अंडर द प्रोजेक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर टेकन कीप देयर नेचुरल हैबिट। इस प्रोसेस के दौरान जो है ये अपने अपने जो ट्रे है वो खुद जो है अपने अपने जो नेचुरल हैबिटेट्स के हैं वो अपने अपने खुद संभाल के रखे हैं। लियोपर्ड बिलोंग टू कोल्ड एंड इमेजिनी एरिया। जो लियोपर्ड है वो भी कोल्ड एरिया में रहना पसंद करते। थिंग्स टू नो, चीता इट इज टोटली एग्जिस्टेंस फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द टूडे इन द फाउंड ऑफ अफ्रीका एंड नेचुरल हैबिटेट। अभी जो है वो अफ्रीका में दिखे जाते हैं प्रकृति के ऐतिह्य के हिसाब से। इन इंडिया इट इज फाउंड आ कैप्टिव जो है इस दौरान जो है वर्क्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक डिपार्टमेंट। इट इंडिया मोस्ट ऑफ द राइनोस आर फाउंड इन आसाम स्टेट। आसाम में ज़्यादा से ज़्यादा राइनोसोर्स देखे जाते हैं, राइनोसोर्स के लिए गेंडा देखे जाते हैं। आसाम स्टेट दिस आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम नेम ऑफ आवर इंडिया। जो आसाम के जो राइनोज है ठीक है वो उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हो गई है। और ये ऐसा ही फाउंड है जैसा हमारे सुंदरबन में है वैसा ही। अब देखो ऑन हॉर्न इंडिया डाइनो इट इज सीन द मर्सी एंड रिलीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सुंदरबन। सुंदरबन और ब्रह्मपुत्र के जो किनारे है उसमें ये दिखेंगे एक सिंगा वाले जिसको गेंडे कहते हैं। इट इज हंटेड फॉर न्यूज़पेपर कुडिंग अटेम्प्ट्स ऑफ द पेट्रोलिज्म ऑफ नंबर हैज इंक्रीज्ड। हमको क्या करना चाहिए था अवर हेड इन इंडिया इन इंडिया जो 100 राइनो है वो क्या करता है। देखो इसका फोटो दिया। इट हैज़ बीन मोरली रिलीजन ब्रह्मपुत्र। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपको मिलेंगे वहाँ से।